हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? इसको हम यहाँ पे देखेंगे पहले। तो जब भी कोई हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी, वो हमें सिर्फ क्वांटिटीज जो है डिफरेंट रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, सिर्फ उसके बारे में नहीं एक्सप्लेन करने वाली, बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स की कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हुई या फिर वो एब्जॉर्ब हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, हमारी कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो हमें यहाँ पे क्या क्या बताती है, इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इट इंडिकेट्स अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट भी पता चल गया और कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारी या तो रिलीज हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है, उसके बारे में भी हमें अपनी थर्मोकेमिकल इक्वेशन से पता चलेगा। सो इन द थर्मोकेमिकल इक्वेशन वी स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट अलोंग विद द एलोट्रॉपिक स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इन द इक्वेशन। जैसे ये हमारी यहाँ पे एक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारा इथेनॉल है उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड, ऑक्सीजन की गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ प्रोडक्ट अब यहाँ फॉर्म हुई है दैट इज ऑल्सो अ गैस, एंड वाटर इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड। अब यहाँ पे डेल्टा आर एच नॉट नेगेटिव है और ये हमारी वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस पूरी रिएक्शन से आपके पास सभी डिटेल्स आ गई कि रिएक्टेंट जो है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट जो है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, और उसके बाद यहाँ पे एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ कन्वेंशंस लिए हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, वो द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव। अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए हमारी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा एच वैल्यूज दीज आर फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। अब आपकी जो बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, जो आपने इक्वेशन लिखा उसको प्रॉपर बैलेंस किया, तो वहां पे जो आपके कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दे विल बी रेफरिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना रिप्रेजेंट करके थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो भी आपके कोफिशिएंट्स होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं रिप्रेजेंट करते, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज की जो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो हमें बताती है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है सब्सटेंस के, दीज आर बीइंग स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस जो है हमारी इक्वेशन में प्रेजेंट है। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है हमारी, उसकी यूनिट्स क्या है, किलो जूल पर मोल। तो अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे Fe2O3 सॉलिड जो है हमारा हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स आयरन सॉलिड एंड वाटर लिक्विड। अब आपके पास टेबल है, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो डेल्टा FH0 दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो आपको सभी सब्सटेंसेस का यहाँ पे दिया होगा। जैसे फॉर वाटर इट इज गिवन दिस, फॉर Fe2O3 सॉलिड इट्स वैल्यू इज दिस। तो अब जो आपका सॉलिड है आयरन, उसकी डेल्टा एफ की वैल्यू जो है, एच की वैल्यू जीरो है, और जो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है फॉर H2 उसकी भी जीरो है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको निकालना है डेल्टा आर एच की वैल्यू। तो ये हो जाएगी यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स की वैल्यू माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी, और प्रोडक्ट्स यहाँ कितने मोल्स हैं, हम लिक्विड और गैस ही लेंगे तो 3 है यहाँ पे इसके अभी, तो ये यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जो इसकी वैल्यू दी हुई थी। सॉलिड लेंगे अब यहाँ पे हम, तो इस सॉलिड की यहाँ पे हमें कितनी दी हुई है, हमें इतनी दी हुई है,
यहाँ पे हमने सॉलिड आयरन इसे निगलेक्ट किया क्योंकि इसकी तो ऑलरेडी जीरो थी, और यहाँ पे जो एच टू है उसकी इसलिए गई क्योंकि इसकी तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू जीरो थी। तो इस तरीके से कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो यूनिट जो है इसकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, दीज आर किलो जूल पर मोल। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी वैल्यू आई है इट इज फॉर दी पर मोल ऑफ द रिएक्शन। अब आप क्या करो, बैलेंस करो केमिकल इक्वेशन को एंड दिस विल डिफाइन दी मोल ऑफ अ रिएक्शन। तो जब इसको हम इक्वेशन को अलग तरीके से आप बैलेंस करेंगे, हाफ Fe2O3 3/2H2 Fe3/2H2, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी यहाँ पे बैलेंस्ड है एंड इट इज फॉर दी वन मोल ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी 3/2, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी 3/2 कॉफिशियंट है, और जो इसकी डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है फिर इसकी हाफ, तो इसकी जो वैल्यू है फिर जब आप सॉल्व करोगे सो दिस वैल्यू कम्स अराउंड टू बी दिस। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो पहले वैल्यू आई थी उसे एक बार चेक कर लेते हैं, इट वॉज 33.3 किलो जूल पर मोल। तो अब जो वैल्यू आई है इट इज 16.6 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने कॉफिशियंट को यहाँ पे हाफ किया, मोल्स को कम किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी हमारी हाफ हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंथैल्पी है हमारी क्या हुई, इट इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी, क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि जो हमारी एंथैल्पी है वो एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। तो यहाँ से कन्वेंशन निकल कर आया जिसका मतलब क्या है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ सब्सटेंसेस आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम नंबर तो वैल्यू जो होगी हमारी डेल्टा एच की वैल्यू उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड बाय द सेम नंबर। तो यहां से हमें इसके बारे में पता चला, जैसे हमने हाफ किया मोल्स को तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है वो भी क्या हो गई, हाफ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच नॉट इज ऑल्सो रिवर्स्ड इन साइन। जैसे जब आपने N2 plus 3H2 gives अमोनिया लिखा तो ये रिएक्शन क्या थी हमारी, एक्सोथर्मिक थी, पर जब आपने इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा 2NH3 gives N2 plus 3H2, अब क्या हुआ कि रिएक्शन जो है हमारी क्या हो गई, उसका साइन जो है रिवर्स हो गया, इट बिकम्स यहाँ पे एंडोथर्मिक। तो इस तरीके से जो रिएक्शन हमारी पहले एक्सोथर्मिक थी उसको हमने जब उल्टा करके लिखा तो अब रिएक्शन क्या हो गई हमारी, रिवर्स हो गई। एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, बस साइन जो है हमारे वो ऑपोजिट हो गए। सो इफ द रिएक्शन इज रिवर्स द साइन ऑफ डेल्टा एच चेंजेस बट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम। तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, जस्ट साइन चेंजेस। So this was all about the thermochemical equations. Thank you.